का सेवाधारियों की विशेषता क्या है? सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी की महिमा है जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो यह विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो। जिसको अमृत वेले का संकल्प का समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते हैं। तो इस महत्व को जान महान बनना है। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनूं और औरों को भी महत्व बतला कर अनुभव करा कर महान बनाओ। नेक्स्ट है, सेवा के लिए उमंग उत्साह रखो। बाबा ने कहा आंख खुली, मिलन बनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का और तीसरा है कर्म का दान। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, कर्म द्वारा गुणों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तो सदैव जो दिन का आरंभ होता है उसमें पहले यह प्लान बनाओ कि आज के दिन यह तीनों दान किस किस रूप से करने हैं, और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने, तीनों ही प्रकार का दान किया। क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं हो ना। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का सुविचार लिखते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्व को भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा, सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज यह करेंगे, आज वह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है? प्लान बनाते हैं ना, यह करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो तो अपनी भी सदा के लिए उमंग उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे
मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं। ऐसे यह रोज़ का मन का मनोरंजन प्रोग्राम है। नेक्स्ट बाबा ने कहा, अमृत वेले प्राप्त सौगात दूसरों को भी बांटते चलो। रोज़ाना देखो कि बाबा ने आज कौन से खजाने दिए हैं, फिर इन खजानों को बांटना चाहिए। चाहे एक ही खजाना क्यों ना हो, इसके लिए कोई स्टेज या प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। अमृत वेले जो सौगात आपको मिलती है, वह सारा दिन दूसरों को बांटनी चाहिए। भाग्य बनाने के साथ साथ दूसरों को भी निमित्त बनाओ। भाग्य विधाता बनने से व दूसरों को खजाने देने से वर्तमान ही नहीं, परंतु सारे कल्प के लिए अपना ऊंचा भाग्य बनाने की गारंटी लेंगे। यही वह समय है जब आप दूसरों को बांटकर आज के लिए नहीं, परंतु सदा के लिए भाग्य की गारंटी लेते हो। नेक्स्ट फिर बाबा ने कहा, रोज़ अपने संपर्क वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। तो बाबा ने कहा, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी होता है तो रोज़ सुबह को दुकान खोलते ही अपने हर रत्न को चेक करता कि साफ हैं, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। तो बाबा ने अंडरलाइन किया, वैसे रोज़ अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो कि दो निकले या तीन निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा। एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर देगा। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा, मास्टर बीज रूप बन वृत्ति और वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही एक शब्द रखो, सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर, अंडरलाइन किया बाबा ने, बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो।
जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति का पानी मिलने का अनुभव हो। अंडरलाइन किया फिर बाबा ने, ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन के कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि अमृत वेले क्या करना है, मनसा सेवा भी करनी है। तो विशेष सेवाधारी बनने के लिए बाबा ने कहा अपनी मनसा सेवा जरूर करनी है, जिसके लिए बाबा ने कहा कि अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी की महिमा है, जो वरदान के समय को जाने भी, अनुभव करे भी और अनुभव कराए भी। और बाबा ने कहा अमृत वेले जो बाबा से प्राप्त खजाने हैं उनको बांटो, जितना बांटेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। और बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि जैसे जवाहरी क्या करता है, रोज़ अपने रत्नों को चेक करता है, देखता है, तो रोज़ अमृत वेले संपर्क वाली आत्माओं को बाबा ने कहा सकाश दो और मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त शक्तियों द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। तो सर्व आत्माओं को सहयोग देने का ही संकल्प रखना है, मनसा सेवा करनी है, अमृत वेले से ही विशेष ये सेवा करनी है। बाबा ने कहा जैसे सदा के योगी हो, ऐसे ही सदा के सेवाधारी भी हो। अच्छा, ओम शांति।